मैं दिलों में बसता हूं, अर्ज किया है, आपने बोलना होता है इरशाद, अर्ज किया है मैं दिलों में बसता हूं। अरे जोर से बोलो ना, वाहवा तो करो। आपको क्या लगता है कि आपकी वाहवा के बिना मैं बोल पाऊंगा? मैं दिलों में बसता हूं, उम्मीदों में रहता हूं, सपनों में जीता हूं और गम पीता हूं। अर्ज किया है मैं उम्मीदों में रहता हूं, सपनों में जीता हूं, गम पीता हूं। जब कोई सपना मुरझा जाता है, गौर कीजिए, जब कोई सपना मुरझा जाता है, जब कोई उम्मीद टूटती है, जब कोई अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं। आज का टॉपिक बहुत क्लियर है। इंश्योरेंस सेलिंग में, लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में 100% सक्सेस रेट कैसे हो? 100% सक्सेस रेट लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में, उसके ऊपर आज मैं आपके साथ कुछ विचार रखना चाहता हूं, कुछ वादे भी करूंगा आपके साथ, कुछ शर्तें भी रखूंगा आपके साथ, कुछ कंडीशंस भी लगाऊंगा। वादा बहुत क्लियर है, प्रॉमिस बहुत क्लियर है कि मेरे सेमिनार के बाद आपका इनकम लेवल जो भी है इस समय, मैं नहीं जानता हूं इस समय क्या आपका इनकम लेवल, हर किसी का अलग अलग होगा। कोई शायद स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है कोई इस लेवल पहले हो सकता है इस लेवल पे हो, या पहले से ही इस लेवल पे है। मेरा सबके साथ वादा है, आपके उस लेवल को वहां से उठा के मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। आर यू रेडी? मुझे हिंदी बोलनी है क्योंकि आपको हिंदी इजीली समझ लगेगी, लेकिन जो मुझे आपका जवाब चाहिए वो मेरी भाषा में चाहिए जो मुझे समझ लगेगी। कितने लोग मुझे दोबारा सुनने आए हैं, लास्ट मंथ भी आए थे, ओके, वो तो जानते हैं कि मुझे केवल एक ही जवाब चाहिए पंजाबी में, आहो। सो आप तैयार हैं? लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं उनको मैं एक एश्योरेंस देता हूं, नो रेपिटेशन, जो भी आज होगा नया, कोई पुराना रिपीट नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तब सब्जेक्ट हमारा अलग था, आज का सब्जेक्ट अलग है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बीच में, सो दैट सभी लोग एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तो मैंने आपसे वादा किया आपकी इनकम लेवल को वहां से उठा के मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। अगर इनकम बढ़ गई तो बाकी सब कुछ तो आ ही जाएगा। तो जब हुस्न आता है तो नखरा भी आ ही जाता है, जब हुस्न आता है तो नखरा भी आ जाता है। पर यहां पर हम केवल हुस्न को बढ़ाने की बात करेंगे। जब आपके पास हुस्न आता है तो नखरा भी आ ही जाता है। एक दिक्कत है मेरे साथ, जब भी कहीं पर जाता हूं मुझे आपकी एज दिखाई नहीं देती। आप मेरे से बड़े हो, मेरे से छोटे हो, या मेरी एज के हो, मुझे दिखाई नहीं देते। मुझे केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि आप सब मेरे बच्चे हैं। आप मेरे बच्चे बनने को तैयार हो? तो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, मैं आपको उसी तरह से आज नॉलेज ट्रांसफर करूंगा जैसे मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर करता हूं, और आप उसी तरह से रिसीव करोगे जैसे आप अपने बड़ों से रिसीव करते हो। तैयार? सब लोग क्यों नहीं बोलते हो? पूरा आवाज चाहिए, पूरा जोश, क्योंकि हम आज इसको एक सत्संग की तरह चलाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सत्संग, LIC सत्संग। यहां पर हम सूट बूट पहन के, शर्ट्स पहन के, पैंट्स ट्राउजर्स पहन के आए हैं, लेकिन सत्संग है क्या? सत्संग है जहां पर हम अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छी बातें सुने और अच्छी बातें करें, और सत्संग जैसे ही करेंगे और वैसे ही बोलेंगे। प्रेम से बोलो, जीवन के साथ भी, जीवन के साथ भी,
तो हम कोशिश करेंगे बीच में ऐसे सत्संग चलाते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है मेरे शूज के लेसिस से लेके फीता जो है, शूज के लेसिस से लेके मेरी पगड़ी के पिन तक LIC का दिया हुआ है। बार पूरे सत्संग के माहौल में बैठे हैं, इसीलिए कोई म्यूजिक सीडी नहीं, कोई कैसेट नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ढोल बजेंगे हम सब आप लोग, क्योंकि हम भी सरदार आप भी सरदार, ना सरदारों के पास दिमाग ना आपके पास दिमाग। सरदार भी दिल से काम करते हैं, आप भी दिल से ही काम करोगे, और दिल से काम किया हुआ तो सफलता देता ही है। तो प्रेम से बोलो जीवन के साथ भी मजा आएगा, वाकई मजा आएगा। बहुत बार सोचता हूं कि हम घर से निकले, सोचते हुए निकले कि चलो आज कुछ पॉलिसीज बेचते हैं, सबके लिए बोल रहा हूं, एक सब मेरे बच्चे भूल जाओ आज की डेट में आपका इनकम लेवल क्या है, बिल्कुल भूल जाओ। अपना जो मटका है, जो आपका घड़ा अगर भरा है तो ऊपर से पानी फेंक दो। आज की डेट में आपका इनकम लेवल क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी सेहत कैसी है, सारा कुछ भूल जाओ, क्योंकि इन सब चीजों का मेरे इस सेमिनार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना आपकी एज का, ना आपकी क्वालिफिकेशन का, ना आपकी पर्सनैलिटी का, ना आपके इनकम का, ना आपके एक्सपीरियंस का। क्योंकि जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसमें आज कुछ ऐड होगा। एक व्यक्ति मुझे कहता है कि अगर मेरे पास टाटा की सारी दौलत आ जाए तो मैं टाटा से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जब टाटा की दौलत तेरे पास आ जाए उससे ज्यादा अमीर कैसे हो जाओगे? कहता अपनी ट्यूशन पढ़ानी बंद थोड़ा करूंगा मैं। तो जो आपके पास है वो तो आपके पास है ही पहले से, जो मैं आपको देने वाला हूं वो तो उसमें ऐड होगा ना, आपकी वैल्यू ऐड होगी, ग्रो करेगी। तो आपकी किसी भी चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है तो केवल एक ही चीज का कि हम यहां पर आपको क्या देके जाते हैं और आपसे क्या लेके जाते हैं। मोबाइल फोन चलते रहने दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर उसका पड़ोसी ये सोचे कि उसको डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको मैं राइट देता हूं कि उसका मोबाइल फोन लेके तोड़ दे। अगर उसको डिस्टर्बेंस लगे, अगर उसको परेशानी नहीं है तो फिर चलता रहे। हाँ, बहुत अच्छा म्यूजिक होगा तो मुश्किल मुझे आएगी, क्योंकि मुझे डांस आना शुरू हो जाता है। जब डांस आना शुरू हो जाता है तो फिर डांस आ ही जाता है। बात चल रही थी लाइफ इंश्योरेंस की। हम घर से निकले ये सोच के निकले कि हमने इंश्योरेंस बेचनी है। हम लोगों के पास गए, लोगों से लाइफ इंश्योरेंस की बात की। क्या जितने लोगों के पास जाते हैं उतने लोग हमसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद लेते हैं? बोलिए, सभी लोग बोलिए ना। तो जनरली रेट क्या चलता है? हम कितने लोगों के पास, फॉर एग्जांपल हम 10 लोगों के पास जाते हैं और जितने भी लोगों के पास गए, मान लो 10 लोगों के पास गए, तो एवरेज औसत कितने लोग हमसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं? 3-4 और ओके, 2 के एवरेज पे कौन है? रेज योर हैंड्स। झिझक नहीं होनी चाहिए आज, क्योंकि हम परिवार में बैठे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं। 2 के एवरेज पे ओके, 3 के एवरेज पे ओके, 4 के एवरेज पे, 4 पे भी है, 5 के एवरेज पे नहीं, 5 से ज्यादा जो व्यक्ति हाथ खड़ा कर सकता है वो मस्त नहीं समझ। तपस भाई 10 लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने गए, 10 में से एवरेज कितनी आती है आपकी? 3 आती है।
तो एवरेज हम बात कर रहे हैं दो तीन और चार, पांच पर भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, मान ले एक दो होंगे भी शायद, तो पांच से अधिक किसी की एवरेज। ओके, अब तो बात करने में मजा आएगा। पहले अपने इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि आपको आइडिया हो कि जो कोच सामने खड़ा है वो कभी खेला भी है कि नहीं, जो कोच आपको कोचिंग देने आया है वो कभी खेला भी है कि नहीं। मैंने लाइफ इंश्योरेंस का करियर शुरू किया था 1980 में, बहुत लोग हैं जहां जो 1980 के बाद पैदा हुए हैं शायद। 1980 में मैंने एजेंसी ली, पांच छह साल काम किया, बीच में बातें करूंगा क्या क्या काम किया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया, डेवलपमेंट ऑफिसर बना, फिर चार पांच साल काम किया। 89 में मैं डेवलपमेंट ऑफिसर से वीआरएस लेके ट्रेनर बन गया, और आज 89 को कितने साल हो गए, 22 साल से मैं होल टाइम कोच हूं, होल टाइम ट्रेनर हूं, उससे पहले मैं सेल्समैन था। तो पहले मैंने अपनी इनिंग्स खेली, और 21-22 वर्षों से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एजेंट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स दोनों को कोशिश कर रहा हूं उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने की। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है, अगर आपने वाकई ध्यान से सुन लिया तो मेरा वादा है 100% के नजदीक नजदीक आप पहुंच जाओगे। क्यों, क्यों सोचना जरूरी है, क्यों ऐसा है? जो आप दो बेच रहे हो पहले उसकी बात करते हैं, जो दो या तीन बेच रहे हो पहले उसकी बात करते हैं। सोचना यह है कि आप लाइफ इंश्योरेंस बेचने गए, आप 10 में से 2 या 3 बेच पाए, कभी सोचा कि 2-3 क्यों बिकी हैं? सोचनी बात पहले यहां पर थोड़ा सा चिंतन चाहिए। प्रेम से बोलो जिंदगी के साथ भी सत्संग करता रहना चाहिए। पहले चिंतन चाहिए कि जो दो बेची, जो 3 बेची या 4 बेची, वो क्यों बिकी। अब मेरे एक्सपीरियंस को सुनिए, जो मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने लोगों को मिलके एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है उसकी बात करता हूं। देखिए आप पता, मैं एनवेलप खोल लेता हूं, देख लेता हूं। इन्होंने कहा था जी स्टेज पर मेरे सामने खोलना और जो होगा पढ़ देना, अब गलत हो ठीक हो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, पिंकी लिखती है जी, पिंकी फर्स्ट वाइफ, आप जरा चेहरा दिखा दो। फर्स्ट मैंने इसलिए बोला है कि अभी फर्स्ट ही चल रही है अभी तक, सेकंड भी यही है, थर्ड भी, लास्ट टाइम ये नहीं आए थे। आप मेरे बारे में बताओगे, मैं आपके बारे में बताऊंगा। लिखती है जी, डियर टीएस, मैं भी स्मार्ट, आप भी स्मार्ट, थैंक यू। मैं भी ब्यूटीफुल, आप भी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। मैं भी कूल, आप भी कूल। मैं भी क्यूट, आप भी क्यूट। बस एक छोटा सा फर्क रह गया है, मैं दिल की साफ, आप दिमाग की साफ। कोई बात नहीं, इसके पापा मेरे पास आए थे ना, मेरी बेटी से शादी करेगा, मैं क्वालिफिकेशन, कहते तेरे से 2 इंच हाइट छोटी। ऐसा क्यों, कहते मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी होती है। क्या हुआ? और मैं, मेरी और देखिए 30 साल से मैं इतनी बड़ी मुसीबत झेल रही। किसी कोई यहां पर रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश, ओके, सुरेश, आप रमेश, ओके, सुरेश, सुरेश, ओके। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं जिस स्टोरी में 2 काल्पनिक पात्र हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है। इसलिए मैंने पूछ लिया था कि
पहले वो डिस्क्लेमर आ जाता है, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं, एनी रिसेम्बलेंस वो बाय चांस है, इसलिए रमेश भाई अब टेंशन में नहीं आना। दो दोस्त, दो भाई, एक रमेश एक सुरेश। सुरेश कुमार LIC का एजेंट, मेहनत करने वाला, सुबह समय पर उठने वाला, लोगों के पास जाने वाला, लोगों की अच्छी सर्विस देने वाला और खूब पैसा कमा रहा। रमेश आप चिंता में नहीं आइएगा, मेरी स्टोरी ऐसी है, रमेश काम कम करता है, हर समय प्रेयर करता है कि मुझे भी सुरेश जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे भी सुरेश जैसा पैसा चाहिए, मुझे भी सुरेश जैसे चेक्स चाहिए। बर्थडे है रमेश का, रमेश मंदिर में बैठा है, जब बाहर आया तो बाहर एक लंबी सी लाल कलर की गाड़ी और साथ में वहां पर खड़ा है उसका भाई सुरेश। सुरेश कहता रमेश तेरे बर्थडे पर ये गिफ्ट तेरे लिए लेके आया हूं, 40 लैक्स की गाड़ी। बहुत खुश हुआ सुरेश, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे आज गर्व है कि तूने मुझे इतनी लंबी गाड़ी प्रेजेंट की। गाड़ी के पास आया, एक कपड़ा लिया, उसको साफ किया, उसके ऊपर हाथ लगाया। सुरेश ने दी है गाड़ी मुझे, सुरेश ने, अंदर आके बैठ गया स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, सुरेश ने दी है। और बाहर वो एक लड़का जो गाड़ी को साफ करने के लिए कपड़ा लेके खड़े होते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल्स पर, वो आ गया, ग्लास नीचे किया, अरे देखा गाड़ी मेरी 40 लाख की सुरेश ने दी है, क्या सर आपकी गाड़ी में कपड़ा लगा दो। कह तेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 रुपए है, 2 रुपए कपड़ा लेके घूम रहा है, मेरी गाड़ी देख। सर आप एक काम कर सकते हैं, मुझे अपनी गाड़ी में एक राउंड लगवा सकते हैं। कहता हाँ बैठ, ये मैं तेरे लिए कर सकता हूं, तू भी क्या याद करेगा, बैठ यहां पर बगल में, बेल्ट लगा। उस गरीब बच्चे को रमेश ने अपने साइड पे बिठा लिया, रमेश ने, सुरेश ने गाड़ी दी थी, सुरेश वहां नहीं है, रमेश उसे लेके जा रहा है। आगे गया, एक झोंपड़ी आई और वो छोटा लड़का कहता है अंकल आप 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकोगे, सामने झोंपड़ी में मैं रहता हूं, वहां से मैं अपने भाई को लेके आना चाहता हूं, उसको आपकी गाड़ी दिखाना चाहता हूं। तो रमेश कहता है ओके ओके लिया लिया कोई बात नहीं, आज दिखा जिसको भी गाड़ी दिखाना चाहता है। और वो अंदर जाता है, अपने भाई को लेके आता है, वो लड़का जो सफाई करने वाला, उसकी बात कर रहा हूं, अपने भाई को लेके आता है। उस भाई की टांगे नहीं है, उस भाई के हाथ नहीं, उसको गोद में उठा के लेके आता है। जब उसे लेके आता है तो उस गाड़ी के पास, और वो जो लड़का जिसके हाथ और पैर नहीं है वो गाड़ी वाले को सलाम करता है, सलाम सर। कहता नहीं इसे सलाम नहीं कर, सलाम कर जिसने इसको गाड़ी दी है, सुरेश ने, वो यहां पर नहीं है। और मैं तुझे वादा करता हूं जिंदगी में मैं भी एक सुरेश बनूंगा और तेरे लिए ऐसी ही गाड़ी लेके आऊंगा। वो जो रमेश था वो तो सोच रहे हैं इसका मतलब ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा था, इसके दिमाग में मेरे लिए इज्जत नहीं थी, इसके दिमाग में इज्जत थी तो सुरेश के लिए। तो माय क्वेश्चन टू यू, आप सुरेश बनना चाहते हैं या रमेश बनना चाहते हैं? अगर आप सुरेश बनना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम पूरे दिल लगा के सुनिए, बहुत हैवी सेशन भी आएगा, जोक्स भी आएंगे, हंसी भी आएगी, भांगड़ा भी होगा, सब कुछ मिक्स चलेगा, लेकिन आपकी मुझे 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्योंकि जो बाहर हो चुका है हो चुका है, आप घर में दूध छोड़ा है गैस के ऊपर, घर में कोई और है नहीं, घर तो जा नहीं पाओगे, दूध तो उबलेगा, घर तो जा नहीं पाओगे, लेकिन सोचते सोचते जो यहां पर ज्ञान मिलने वाला है वो जरूर चला जाएगा।
तो मैं बात कर रहा था कि जो दो और तीन पॉलिसीज फाइनल होती हैं वो क्यों होती हैं, पहले वो सोचना जरूरी है। क्या आपने उस सेल को डिजाइन किया था या वो सेल तुक्के से हो गई, सोचना है केवल, आपने अभी जवाब नहीं देना है। वो सेल तुक्के से हो गई या आपके ऊपर पॉलिसी होल्डर ने एहसान कर दिया या आपने बैगिंग की, आपने किसी जमाने में उसको ओबलाइज किया था, उसने आपको ओबलाइज कर दिया या आप उसको बुद्धू बना दिया, चिंतन इसके ऊपर है कि दो पॉलिसी बिकी क्यों है, तुक्के से बिकी या एहसान किया या उसने अपने एहसान का बदला चुकाया, चिंतन तो इस बात का है करने वाला। मैं एक किताब लेके आया, मैंने आपको किताब दिखाई, ये किताब 10,000 रुपए की, ये किताब 10,000 रुपए की, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेके चला हूं, बच्चों वाली एग्जाम्पल्स लेता हूं हमेशा, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो तो समझाना तो मेरे लिए तभी आसान रहेगा ना, बच्चों को समझा रहा हूं, प्रेम से बोलो, जीवन के साथ भी। ये किताब 10,000 रुपए की है, हाथ खड़े कीजिए कौन कौन लेगा, 2, 3, 4 हाथ नीचे। आप जानते हैं इस किताब में क्या, नहीं जानते हैं, फिर भी हाथ खड़ा कर दिया, सोचा चलो मदान साहब को खुश कर देते हैं, यही सोचा ना, बहुत बार पैसे खर्चे हैं यार, लाखों रुपए खर्च देते हैं, 10,000 और सही खुश कर देते हैं। क्या सोचा होगा कि 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, एहसान कर देते हैं इनके ऊपर, उसके बाद मैं अपना जो चेन सिस्टम शुरू किया है वो लेके आऊंगा और इनको ज्वाइन कराऊंगा। ये भी हो सकता है कि यार इनकी बीवी के साथ बातें करके मजा आता है, दे दो 10,000 रुपये। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप तो जानते नहीं उसमें क्या है, फिर भी इन दो तीन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। ओके, अब वही किताब लेके मैं आपके सामने आया, इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस बेचने के तरीके हैं जिसको पढ़ने के बाद आप 10,00,000 रुपए कमा सकते हो। आप कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? ओके, ऑलमोस्ट 100%। लेकिन अगर मैं ये किताब लेके एक कॉलेज में जाता हूं, कॉलेज में जहां पर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिस ईयर पास आउट हुए हैं, अभी जानते नहीं है कि करियर कौन सा होगा, लाइफ इंश्योरेंस के सेल्समैन बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या पॉलिटिशियन बनना है या हाउसवाइफ बनना है, अभी जानते नहीं है, अब वहां पर जाके मैं 10,000 रुपए की किताब और बीच में लाइफ इंश्योरेंस बेचने के तरीके लिखे हैं, कितने लोग खरीदेंगे? शायद 2-4। अगेन वैसे ही जो इन्वेस्ट करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन क्या आती है? सेकंड ऑप्शन आती है कि मैं किताबें 10 ले जाऊं, रिलेट करना अपनी बातों के साथ, एकदम बच्चे बनके। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रन, कॉलेज में गया हूं मैं, ये किताब 10,000 रुपए की, लाइफ इंश्योरेंस बेचने के तरीके, पेंट बेचने के तरीके, सॉफ्टवेयर बनने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के तरीके, मां बनने के तरीके, नेता बनने के तरीके, तरीके तरीके तरीके। अब कितनी बिकेंगी? काफी बिक जाएंगी। 100% बिकेंगी? 100% बिकेंगी? नहीं बिकेंगी, क्योंकि लोग नहीं जानते उन्होंने बनना क्या है। ये तो मेरा नॉलेज था ना, मेरे पास बुक्स हैं, लोग तो नहीं जानते वो क्या बनना चाहते हैं। पहले मुझे जानना है कि वो क्या बनना चाहते हैं, उसके बाद उन्हें किताब ऑफर करनी है। आहो, पहले मैंने जानने की कोशिश करनी है कि वो क्या बनना चाहते हैं, फिर उनको मैंने किताब ऑफर करनी है। पहले उनको मैंने अंदर से ढूंढना है कि उनकी जरूरत क्या है। मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो,
LIC एजेंट, आप क्या बनना चाहते हो डॉक्टर, आप क्या बनना चाहते हो इंजीनियर, आप क्या बनना चाहते हो पेंट बेचना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो अच्छी मदर बनना चाहते हैं आप पॉलिटिशियन। अब मुझे पता चल गया आप LIC एजेंट बनना चाहते हैं, किताब आपके लिए है, 10,000 के दीजिए 10 लाख रुपए कमाएंगे, ले लोगे ना, पेंट बेचने वाले वहां बनने वाले। जो मैं कहना चाहता हूं उसके नजदीक नजदीक आप पहुंच पा रहे हैं, बाकी सुनने वाली बात है, बाकी सुनने वाली बात। सबसे पहले हमें 4 स्टेप्स के सिस्टम को समझना, जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया है अपने 31 ईयर के करियर में। 31 ईयर्स के करियर में मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया, 4 स्टेप्स फॉर्मूला जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैंने डिजाइन किया है। और इस फॉर्मूले को जानने के बाद अभी तक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि जो ट्रेनर होता है वो तो लाइक क्लाउड बादल की तरह होता है ना, सबके ऊपर बरस जाएगा। कुछ लोग तो एंजॉय करते हैं बरसात को, कुछ लोग बरसात के बंद होने का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग बरसात के पानी को समेट लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ग्लास में, कप में, प्लेट में, या छत पर बने हुए टैंक में, ताकि लाइफ में दोबारा जरूरत पड़ने पर उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। तो यहां पर ऐसे लोग तो नहीं होंगे जो इंतजार कर रहे हैं कब बरसात बंद हो। हाँ, ऐसे लोग जरूर होंगे जो केवल एंजॉय करके जाएंगे कि यार आज बहुत बढ़िया हुआ, किशोर गुरु के फंक्शन में सरदार जी आए थे, 2 घंटे 3 घंटे आराम से पास हो गए यार। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पानी को समेट के लेके जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप पानी समेट के लेके जाइए ताकि लाइफ में आपके और आपके कोलीग्स के काम आ सके। 4 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप, जरूरत को जानना, प्रोस्पेक्ट की जरूरत को जानना। मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूं कि लास्ट टाइम कितने लोग आए थे यहां पर मेरे पिछले सेमिनार में, 25-30। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं मैं, क्योंकि फिर हम लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे जो हमने लास्ट टाइम यहां पर बातें की थी, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसके सीधा हम इस लेवल पे जाएंगे तो शायद कैच नहीं कर पाओगे आप। हमने तब बात की थी डिजायर की, ड्रीम की बात की थी कि लाइफ में ड्रीम जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपके ड्रीम को सुनकर 5 लोग आपको पागल नहीं कहते हैं तो आपका ड्रीम छोटा है। आपके ड्रीम को सुनकर 5 लोग अगर आपको पागल कहते हैं तो फिर आप ठीक हो। तो वो ड्रीम लेने की जरूरत पहले पैदा करनी है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। हमने यहां पर एक एग्जाम्पल बनाई थी कि मान लो आपने सोचा कि आप जाना चाहते हो मथुरा, किसी ने सोचा वो जाना चाहता है कोटा, किसी ने सोचा जाना चाहता है रतलाम, किसी ने सोचा वो जाना चाहता है मुंबई। हो सकता है मुंबई पहुंचने वाला मुंबई ना पहुंच पाए, 1 स्टेशन 2 स्टेशन पहले उतर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसने मथुरा सोचा था वो बॉम्बे पहुंच जाए। बॉम्बे पहुंचने वाला 1 स्टेशन 2 स्टेशन पहले उतर सकता है, ट्रेन खराब हो सकती है, अहो मौसम खराब हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है कि बॉम्बे वाला बॉम्बे ना पहुंच पाए 1 स्टेशन 2 स्टेशन पहले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने सोचा ही था मथुरा वो बॉम्बे पहुंच जाता। और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, आपने सोचा 1 करोड़ रुपए इनकम, मैंने सोचा 10,000 रुपए इनकम, हो सकता है आप 1 करोड़ रुपया ना कमा पाओ, 95 लाख 90 लाख 85 लाख 80 लाख 75 लाख कहीं तो पहुंच जाओगे, लेकिन जिसने 10,000 में सोचा है वो 11,000 भी नहीं पहुंचेगा। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता, एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। सोचने की जरूरत चाहिए, जरूरत, अगर सोचने की जरूरत है तो कोशिश आसान हो जाती है, और जब आप कोशिश कर लेते हो तो कामयाबी आपके पैर चूमती है। एंड यस, डाउनहिल
थोड़ा सा देते रहना एनर्जी, इन लोगों को भी एनर्जी चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया सुरेश बनना है, आपने डिसाइड कर लिया वो सभी काम करेंगे जो एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बोल रहा था, अगर आप भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो भगवान के आगे सबसे पहले हमने प्रेयर करनी है, मेरे अंदाज में, मेरे स्टाइल में। सभी लोग खड़े होके जोर से ताली बजाते हुए, शोर करते हुए, विसलिंग करते हुए, हूटिंग करते हुए, हे, 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 हे। सपना ले लिया, अब बड़े सपने के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि जरूरत जाननी है पहले आपने, एक्सरे मशीन की तरह, कि जरूरत कहां है। पांच क एक तो सरदारों के सिखों के पास पांच क होते हैं ना, केश, कंघा, कृपान, कच एंड कड़ा। एक पांच क यहां पर है, वो पांच क आपने अगर देख लिया तो आप जरूरत जान जाओगे उसकी, कि जरूरत कहां पर है। मुझे कहती है कि आप चश्मा निकाल के खड़े रहा करो, बहुत सुंदर दिखाई देते हो। तो मैं देख रहा था चश्मा निकालने के बाद तो पिंकी मुझे सुंदर दिखाई देती है। पांच क उसकी बात मैं करता हूं आपके सामने, कि वो पांच क कौन से हैं जिसके बाद आप ये जान पाओगे कि जरूरत है क्या। जरूरत क्या है, पहला क, हमने 10 में से 2 क्यों बेची थी, क्योंकि वो तुक्का चल रहा था। हमने 10 को दिखा दी, 2 ने खरीद ली। अगर हम 20 पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, 10 टाइम्स ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर लो, यही था ना। अगर 40 बेचनी है तो और ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर लो। तो मैं थोड़ा सा आपको बदलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। दूसरा है क्यों है, तीसरा है कब है। जरूरी नहीं कि किसी की जरूरत आज ही हो। चौथा क्यों है, किसके लिए है। वो अपनी पॉलिसी के बेनिफिट्स किसको देना चाहता है, किसके लिए है। और पांचवा है कहां, क्या है, क्यों है, कब है, किसके लिए है और कहां है। हो सकता है उसका बेटा अब्रॉड बैठा हो, मैं अपनी बात कह पा रहा हूं ना, तो वो अपने आप प्रेम से बोल दिया करो, प्रेम से बोलो। एक ही बार में बोलना, मैं साथ करूंगा बोलना, प्रेम से बोलो। जरूरत क्या है, क्यों है, कब है, किसके लिए है, कहां है, ये पांच क जो है, क्योंकि हर किसी का जरूरत एक जैसी नहीं होगी। घर में देखिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। कभी नोटिस किया आपने, किसी को 12 डिग्रीज अच्छे लगते हैं, किसी को 14 डिग्रीज, किसी को 18 डिग्रीज, कोई एसी बंद करके सोना चाहता है, कोई एसी चला के सोना चाहता है, कोई पंखे के नीचे, कोई पंखे के बिना, कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, कोई रात को जल्दी सोना चाहता है, कोई सुबह लेट उठना चाहता है, कोई रात को लेट सोना चाहता है। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। लोग एक जैसे नहीं, आपके परिवार में लोग एक जैसे नहीं है,
तो बाहर लोग एक जैसे कैसे होंगे? अगर लोग एक जैसे नहीं है तो उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसे कैसे हो गई? पंजाबी नॉर्थ इंडियंस चावल और रोटी तकरीबन अलग अलग खाते हैं, जिस दिन चावल खाते हैं उस दिन रोटी नहीं खाते हैं, जब चपाती बनती है चावल नहीं बनते हैं मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियंस में। गुजराती चावल एंड चपाती इकट्ठी खाते हैं, चावल से ही उनकी उनका कोर्स कंप्लीट होता है। साउथ इंडियंस पापड़ आ जाए तो समझ लेते हैं कि रोटी फिनिश, यहां पापड़ आए तब शुरू होती है रोटी। चाइनीज उल्टा खाते हैं, चाइनीज पहले डेजर्ट खाते हैं, सबसे पहले आप कभी शादी में देखिए चाइनीज जो है पहले आइसक्रीम खाएगा उसके बाद रोटी खाएगा और लास्ट में सूप पीता है। तो हम हर किसी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं है, तो हम कैसे सपोज कर सकते हैं कि हर किसी को एक जैसा ही पॉलिसी? मुझे अच्छी लगी जीवन सरल, सबको जीवन सरल 250 महीना निकाल। मुझे अच्छा लगा जीवन आरोग्य, सबके लिए जीवन आरोग्य। इसी कारण हमारा सक्सेस रेट कम है। अब यहां पर बात हो रही है कि जरूरत कैसे पता चलेगा, कहां है, कब है, क्यों है, किसके लिए है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बाय लिसनिंग नॉट बाय स्पीकिंग। एक्सरे, एक्सरे अंदर तक एक्सरे जाना पड़ेगा, आपकी फीलिंग कि क्या इसके मरने के बाद किसी और की जिंदगी खराब होगी, क्या इसकी मृत्यु के बाद किसी और की जिंदगी खराब होगी, क्या इसकी मृत्यु के बाद किसी और की जिंदगी खराब होगी? वो जरूरी नहीं उसके परिवार के मेंबर हो, वो सोशल ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, हो सकता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड हो सकता है किसी मंदिर गुरुद्वारे के साथ कमिटेड हो, वो चाहता हो कि वो अपनी लाइफ टाइम में उस मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान देना चाहता है और उसके लिए पैसे जोड़ रहा है, सेल कर रहा है, कल को मर गया तो मंदिर को जो दान देना था वो कौन देगा? वो भी कमिटमेंट आप ही ने पूरी करवानी है अगर आप उसको जानते हो कि उसकी जरूरत कहां है। हो सकता है उसके परिवार के ऊपर लोन्स हो, डेट हो, आप केवल उसकी वाइफ, केवल उसके बच्चे, केवल उसकी एज ही क्यों देख रहे हो? बहुत जरूरतें मिलेंगी आपको, जरूरत होती है गारंटेड। हेडिंग लिख लो अपने दिमाग में, हर किसी की जरूरत होती है। मैं डेंटिस्ट के पास गया, मैंने अपना वो लास्ट दांत निकलवाना था, जैसे उसने अंदर वो लाइट से वो लगा के क्या बोलते हैं उसे जो भी डंडी, वो डंडी सी लगा के लाइट लगाई, कहता जी आपका दूसरा दांत भी खराब है, थोड़ा सा हल्का सा टच किया मुझे दर्द हुई, जरूरत थी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। उसने मेरे से केवल पैसे ही नहीं लिए, मुझे आने वाले भविष्य में होने वाली तकलीफ से बचा लिया, मुझे आने वाले भविष्य में होने वाले खर्चे से बचा लिया, आने वाले भविष्य में जो मुझे एंटीबायोटिक्स खाने थे उससे बचा लिया। बेसिकली वो मेरी हेल्प कर रहा है। लेकिन हम आलू की ठेला, आलू का ठेला, आलू ले लो, आलू जिसको आलू चाहिए ले जाएगा, थोड़ा सा और बढ़िया ठेला, सेब ले लो सेब, थोड़ा सा और बढ़िया ठेला, शर्ट ले लो शर्ट। मैंने आज तक नहीं देखा कि रेमंड ने कभी बाहर आके सड़क के ऊपर ठेला लगाया हो, वो तो लोगों को बताते हैं आप हमारी शर्ट पहनोगे तो कंप्लीट। मैं उसके आसपास रहना चाहता हूं आपके साथ। तो कैसे हम जानेंगे उसकी जरूरत? बाय एक्सरे, उसके अंदर तक जानना होगा। पहली बार में अगर इंश्योरेंस बेचते हो बिना कुछ जानने के तो चांसेस है वो पॉलिसी लैप्स होगी, हाँ और ना? चांसेस है वो पॉलिसी लैप्स होगी, बिना जरूरत के बेचा गया है, चांसेस है ओवरसेल हो गया, जरूरत थी 50 लाख की, बेच दिया 1 करोड़, तब क्या होगा? अगेन लैप्स के चांसेस। ना भी लैप्स हो आपका इंप्रेशन तो खराब हो जाएगा जब दूसरा आपको इसे मिलेगा तो। थर्ड चांसेस है कि अंडर सेल हो, जरूरत थी 50 लाख की, आपने दिया 10 लाख क्योंकि आपने जरूरत पहचानी नहीं थी अभी,
चांसेस हैं कि आपका इंप्रेशन खराब हो, चांसेस हैं कि आपके साथ उसका रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाए। वो केवल तभी हो सकता है अगर हम उसके काउंसलर बनेंगे, उसके गाइड बनेंगे, उसके असिस्टेंट बायर बनेंगे। अगेन मैं एग्जांपल देता हूं दुकानदार की, शर्ट लेने गए, ये शर्ट, ये शर्ट, ये शर्ट, 10 शर्ट्स रख दी, आप कंफ्यूज, आहो आप कंफ्यूज कौन सी शर्ट। तो वो आपसे पूछता है, अगर पूछता है तो सभी सेल्समैन नहीं पूछते हैं, वो पूछता है सर मुझे इतना बताइए कि आप शर्ट कहां पहनना चाहते हैं। आपने कहा जी मैं ऑफिस में पहनना चाहता हूं, तो सर ये 6 शर्ट तो छोड़ दीजिए, ये तो 6 आपके काम की है ही नहीं, अब रहेगी 3। आप टाई पहनते हैं जनरली? हाँ पहनता है। तो सर दिस इज फॉर यू ऑनली, बस इसको देखिए बाकी छोड़ दीजिए, ये आप ले जाइए, आपकी स्पेशलिटी फर्स्ट क्लास, आपके मोहल्ले में हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, ऑफिस में सबसे ज्यादा स्पेशलिटी आपकी होगी। असिस्टेंट बायर, आप सेल्समैन नहीं उसके लिए, आप उसके असिस्टेंट बायर हो, बाय करने में उसको असिस्ट कर रहे हो। क्यों वो पॉलिसी आपकी वे? अभी केवल पहला स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, केवल आपने जानना है कि उसकी जरूरत क्या है, अभी इसके आगे का स्टेप मैं नहीं चला हूं, केवल आपने जानने की कोशिश की कि उसकी जरूरत क्या है। एक क्वेश्चन करता हूं आपके लिए, मृत्यु से पहले स्टेप क्या होता है किसी इंसान का? बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया, ये कैसे पता चलता है? बीमारियां आ जाती हैं एक्टिविटी से, और पीछे वाले बात नहीं करोगे, एज हो गया उम्र से, ओके उम्र से पता चलता है बुढ़ापा आ गया, बीमारी से पता चला घुटने दर्द होने शुरू हो गए, और बॉडी स्लो चलनी चली, सुनाई कम हो गया, बाल सफेद होने शुरू हो गए, इन चीजों से पता चला कि बुढ़ापा आ गया है। और बुढ़ापे के बाद का स्टेप है हमारी फैमिलीज में क्या घुटने बड़ी एज में ही दर्द करते हैं? क्या बाल बड़ी एज में ही सफेद होते हैं? क्या सुनना बंद होता है बड़ी एज में ही? पर हमने तो कहा ये सब चीजें बुढ़ापे की निशानी है। ये सब आपने कहा कि बुढ़ापे की निशानी है, तो अगर बुढ़ापे की निशानी घुटने दर्द होना है, अगर बुढ़ापे की निशानी बाल सफेद होना है, अगर बुढ़ापे की निशानी मेमोरी लॉस है, इसका मतलब कि हमारे घर में तो हर बच्चा हर बंदा बूढ़ा हो गया है। तो आपने कहा एज, इसका मतलब बुढ़ापा जो है वो एज के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। बुढ़ापा आ गया जब तकलीफ आ गई, बोलिए बुढ़ापा आ गया तकलीफ आ गई, बुढ़ापा कभी आ सकता है तो मृत्यु भी तो कभी आ सकती है। जीवन सच है कि झूठ? जीवन सच है या झूठ? जीवन झूठ है, मृत्यु सच है, मरना ही सच है केवल। तो उसकी मृत्यु के बाद किसका नुकसान होने वाला है, किसका लाइफस्टाइल खराब होने वाला है, किसकी जिंदगी में बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ये हमने जानना है। अब कैसे जानना है वो बात आपके साथ में करना चाहता हूं। वेरी गुड, मुझे अभी एक कार्ड आया है, इसके ऊपर सबसे अच्छी चीज मुझे लिखी है कि इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ सलाहकार, एडवाइजर। आप एडवाइजर हो, आप काउंसलर हो, गाइड हो, लेकिन क्या आपने गाइड किया? क्या आपने कभी किसी को सलाह दी? मैं वो बात कर रहा हूं आपके साथ। और अगर आप सलाह नहीं देते हो, अगर आप गाइड नहीं करते हो, तो हम एक बंदर के पूंछ की तरह हैं। बुरा भी मानिएगा, जब भगवान को पता चला इस पूंछ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भगवान ने
उस पूंछ को हटा दिया, हमारे में किसी को पूंछ नहीं मिली क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। जिस दिन आपके कस्टमर को यह लगा कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐसे उड़ा देगा जैसे भगवान ने पूंछ को उड़ाया है, उड़ा देते हैं लोग। अब कैसे जानना है वो बात करनी जरूरी है। प्रेम से बोलो, ये आपके खून में, आपके ब्लड में आना चाहिए, आपके करेक्टर का पार्ट बनना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनना चाहिए। नींद में बैठे हुए, जागे हुए, सोए हुए, ढोल बजाते हुए, कुछ भी करते हुए केवल एलएसी दिखाई देनी चाहिए। ओए ढोल बजा, बजा ढोल। जो सोएगा वो, जो जागेगा। मेरे पिताजी तीन भाई थे, वो बोलते हैं कि उन दिनों में सफेद कपड़े का पॉपलिन का थान, थान समझते हो, पूरा रोल जो होता है, वो खरीद के 6-8 पजामे बना लेते थे, खूंटी पे टांग देते थे, जिस भाई को पजामा चाहिए वहां से लिया, पहन के बाजार चला गया और पजामे में एक नारा, और अगर पूछता होगा वो ट्रैफिक वाला कि बेल्ट क्यों नहीं पहनी, वो कह देते होंगे नारा पहनता हूं। तो हम भी तो नारे लगा रहे हैं ना, प्रेम से बोलो, ये भी तो हमारा नारा है। तो उस समय पजामा ही पहनते थे, कुछ और बेचना है तो जरूरत तो है ही नहीं है ना। फिर पॉकेट्स की रिक्वायरमेंट बताई गई कि आपके पजामे में पॉकेट्स होंगी, पैसे रख पाओगे, सामान रख पाओगे, कपड़ा बदला, फैब्रिक बदला, स्टाइल बदला। पजामा था, जितनी बार नेचर की कॉल आती थी नारे खोलना पड़ता था, उनको बताया कि आपके पजामे में जिप लग जाए तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो बंदे ने जरूरत को समझा और क्या बेचा, कार को। जरूरत को ना समझा तो आज भी हम सब लोग पजामा ही होते, पजामा ही पहनते। क्या पूछना है हमने उससे, क्या जानने की कोशिश करनी है हमने उससे, कैसे जानेंगे वो अब जरूरी आ गया है। तो किस तरह से जानने की कोशिश करनी है कि वो पांच क्या है, जरूरत कहां है, कब है, किसके लिए है, क्यों है, एंड सबसे पहले ऑब्वियसली आप उसका नाम जानोगे, अगर जानते नहीं हो तो जान लोगे, जानते हो अच्छा है। देन क्वेश्चन क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ उसके बाद शुरू हुई ना जरूरत। मैंने एक पॉलिसी बेची, बहुत बहुत मुश्किल था उसको बेचना, कहता यार देख इतनी ज्यादा पॉलिसी, इतने पॉलिसी बॉन्ड्स, इतनी लंबी लिस्ट उसके पास थी। मैंने वहां देखा कि ये जो बंदा है ये है 42 इयर्स का और इसकी पॉलिसीज मुझे हो रही है 55 के आसपास। कोई 25 साल की खरीदी थी, कोई 20 साल की खरीदी थी, तो 55 के आसपास इसकी पॉलिसीज मुझे हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि तू बता 55 की एज पर तेरे मरने के चांसेस कितने हैं। कहता जनरली कम ही होते हैं, जनरली 55 की एज तक लोग मरते नहीं है। तो मैंने कहा जब तेरे मरने के चांसेस आएंगे तेरी इंश्योरेंस कितनी होगी। कहता कभी सोचा ही नहीं। मैं कहा जीरो होगी भाई, जीरो। मेरे फादर 58 की एज पर गुजरे थे और सारी की सारी पॉलिसीज उनकी पहले मैच्योर हो चुकी थी, उनकी डेथ पर डेथ क्लेम जीरो। तो मैंने जब उसे ये बताया, कहता क्या चाहता है। मैं कहा मैं चाहता हूं कि तेरी जो इंश्योरेंस है जितनी हम मैक्सिमम दे सकते हैं तुझे दे दे, ताकि जब तेरी लाइफ में रिस्क शुरू हो, जब तुझे लगे कि यहां थोड़ा दर्द हो रहा है, उस दिन तुझे यह ना लगे कि मैं अनइंश्योर्ड हूं, किसी का क्या होगा। तो अचानक मुझे जरूरत उसकी मिली। मेरी आज एक सीडी आपको बाहर मिलेगी, कस्टमर की ना को हां में कैसे बदले, कस्टमर की ना को हां में कैसे बदले। ये बॉम्बे मेरा सेमिनार हुआ है कुछ दिन पहले,
उसकी लाइव रिकॉर्डिंग है, दो वीसीडीज हैं, तो बहुत सी जरूरतों को उसमें कवर किया गया है, इसलिए मैं उसके ऊपर आज समय नहीं लगाना चाहता हूं, अदरवाइज सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ऑक्यूपेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका ऑक्यूपेशन, उसका इनकम, कितने एसेट्स हैं, कितने लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई उधारी उसके ऊपर है, कोई सोशल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर है, उसके हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है। बहुत फास्ट बोल गया मैं, इतने ही फास्ट जानना पड़ेगा। आज की डेट में किसी को जानना 15 मिनट का काम है, इतना टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करती है। गूगल पे सर्च कीजिए, 50% ऑफ लोग वहां पर आपको दिखाई देंगे, उनके बारे में पता चल जाएगा। फेसबुक पे होंगे, लिंक्डइन पे होंगे, किसी की वेबसाइट होगी, किसी का झगड़ा हुआ कभी, किसी के साथ वो क्लेश हुआ, कोई कोर्ट केस चला, वो भी आपको पता चलेगा, किसी मंदिर में वो प्रेसिडेंट है वो भी पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, नहीं तो पॉलिसी बॉन्ड लीजिए, उससे पॉलिसी बॉन्ड से आइडिया हो जाएगा आपको, वो सब जानते हो आप, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप केवल दो लोगों के लिए कर रहे हो, बाकी 8 लोगों के लिए कर नहीं रहे हो, वो बात करना चाहता हूं। तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई कि उसको जरूरत कहां है, आपने दिमाग में बत्ती जला ली, अब आपके दिमाग में बत्ती जल गई, सेकंड स्टेप उसके दिमाग में बत्ती जलानी है। पहले जरूरत को समझना है और उसके बाद जरूरत को समझाना है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मेजॉरिटी ऑफ यू प्रॉस्पेक्ट के सामने जाके खुद मरते हो, खुद मरते हो ना, सर सपोज कीजिए कि मैं मर गया तो मेरी बीवी को 50 लाख मिलेगा, एंड आई कैन स्वियर, मैं कसम खा सकता हूं, मैंने अपने इंश्योरेंस एजेंसी के करियर में कभी भी अपने आप को नहीं मारा, बुरा लगता है लेकिन सच बोलता हूं, कह देता हूं भाई साहब अगर आप गुजर गए, भगवान ना करे अगर भगवान को प्यारे हो गए तो भाभी जी के पास क्या रह जाएगा। अगर आप में कहने की हिम्मत नहीं है ना, 100% सक्सेस रेट नहीं आ सकता, हो सकता है उसे बुरा लगे लेकिन बिजनेस गारंटेड, बिजनेस डजंट मीन कि आप उसे धोखा दे रहे हो, आपने धोखा नहीं दिया उसे, आपने उसी की मदद की है, उसी की हेल्प की है, उसको ही बताया है कि अगर तेरे साथ ये हो जाए तो जो सोशल ऑब्लिगेशन तूने चुनी है, जो तूने सोचा था कि मैंने 1 करोड़ रुपए दान करना है, वो कौन देगा, तेरे बच्चे देंगे, कहता नहीं मेरे बच्चे कहां परवाह करते हैं, तो करा मेरे से 1 करोड़ की पॉलिसी, बिल करा उस ट्रस्ट के नाम, जिंदा रहेगा 20 साल के बाद, खुद दे देना 1 करोड़ रुपया, मर जाएगा बैठा हूं मैं, बैठी है मेरी LIC, लेके आऊंगा चेक ट्रस्ट को दे दूंगा। अरे उनकी क्या मजाल कि वो इनकार करें इंश्योरेंस करवाने से, लेकिन हम तो ऑब्लिगेशन ले रहे हैं ना कि प्लीज, वो मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा है कि यार 2 और पॉलिसी लानी है, और आप जानते हो कि 2 पॉलिसी कर ली तो स्टील का ग्लास मिलेगा, घर में है ना स्टील का ग्लास, इसलिए 2 पॉलिसी कर रहे हो, 2 पॉलिसी हो जाती है स्टील के ग्लास के लिए। क्या वो व्यक्ति एडिक्वेटली इंश्योर्ड है, क्या वो व्यक्ति मरने के बाद जो उसके ऊपर उधारी है वो पूरी हो पाएगी कि उसका परिवार साथ में मर जाएगा, वो तो मर गया उसका परिवार भी साथ में मर जाएगा, लोगों के पैसे चुकाते चुकाते जो उसने उधार लिए थे, बताओ उनको, पहले खुद जाना फिर उनको बताया, और थर्ड स्टेप वो है सोल्यूशन, कैसे, पहले जरूरत समझ ली, फिर जरूरत उसे बता दी, एंड थर्ड स्टेप सोल्यूशन क्या है, कौन सा आप प्लान दे रहे हो, प्लान दे रहे हो या कॉम्बिनेशन प्लान दे रहे हो, सिंगल प्लान दे रहे हो, किसी भी जगह पर अपना इंटरेस्ट बाद में रखना, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, किसी मंदिर में पैसे चढ़ाने की जगह, किसी गुरुद्वारे में पैसे चढ़ाने की जगह, किसी बाहर
भिखारी को पैसे देने की जगह अगर आप पॉलिसी होल्डर से, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। बहुत बार हम इसलिए पॉलिसी नहीं बेचते हैं कि हमें उस पॉलिसी में कमीशन कम मिलती है ना ऐसा। कई प्लान हम इसलिए नहीं बेचते हैं कि उसको चाहिए लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए तो कमीशन कम है। भाई साहब आपने पैसे कमा के अगर मंदिर में दान करना है तो उसे वो पॉलिसी बेच दो ना जो उसको चाहिए, आपको कमीशन कम मिलती है, तो फिर क्या हो गया। आप कहीं पर पॉलिसी बेचने गए, उस प्लान में जो उसको प्लान चाहिए, मान लो आप जानते हो कि टर्म इंश्योरेंस चाहिए और आप जानते हो यार गवर्नमेंट ऑफिसर का क्रेडिट भी कम है और मेरी भी कमीशन कम है, तो छोड़ो यार इसको, तो बस वो पुराना सिस्टम करते हैं 75 टेबल। आपने पैसे कमाए और उसके बाद दान पे चले गए देने के लिए मंदिरों में गुरुद्वारे में, पता नहीं मैं आपकी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं, समझ पा रहे हैं तो? कि अगर आपने बाहर किसी की सेवा करनी है तो पहले उसकी सेवा तो कर लो। जो आपका अन्नदाता है, बिजनेस, बी आई एस यू एन ई एस एस, एक उन सब खड़े हो सकते हो सब। आप मुझे इंग्लिश सिखाने आए हैं? बैठ जाओ। बी आई एस यू एन एस एस नहीं होता, नहीं बिजनेस में यू कर देता आगे पहले बी यू एस, नहीं बिजनेस में यू पहले होता है पहले होता है, वो बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है। जिस अंग्रेज ने ये वर्ड बनाया है उस अंग्रेज को सलाम करता हूं। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ही वर्ड में कहता है बिजनेस में यू पहले है। यू कौन है? कस्टमर, द प्रोस्पेक्ट, द पॉलिसी होल्डर। कहता है मेरे बिजनेस में तू पहले है, मैं बाद में, तू है तो मैं हूं, अगर तू नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। और मजे की बात देखिए, कहता है बिजनेस में तेरी आवाज है, यू की आवाज है, आए तो साइलेंट है, मेरी आवाज नहीं है और मेरी आवाज की जरूरत भी नहीं है अगर तेरी आवाज है तो। लेकिन यहां पर जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, एटलीस्ट 25% तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जो पॉलिसी बेचने के बाद अपने परिवार में कहते हैं आज एक और मुर्गा काट लिया मैंने। आज एक और बकरा हलाल कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी पॉकेट से पैसे निकलकर आपके घर में किचन में आने वाले हैं, आपके बच्चों की रोटी जो है, जो भोजन है, वो किसकी पॉकेट से निकल रहा है? आपकी कस्टमर की पॉकेट से। आपके मोबाइल फोन का बिल, आपके घर का किराया, आपके हस्बैंड वाइफ के खर्चे, बच्चों के स्कूल की फीस, गाड़ी का पेट्रोल, सब वही तो दे रहा है। उसकी तो हम पूजा करना नहीं चाहते। जिसको हम देखते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसकी तो पूजा करना नहीं चाहते और उसके बाप की पूजा कर रहे हैं।
अरे उसकी पूजा करो, उसका बाप खुश हो जाएगा। जिसके बच्चे की पूजा होती है ना, उसका बाप वैसे खुश हो जाता है, वो तो वैसे खुश हो जाएगा ऊपर वाला कि तू मेरे बच्चे की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है। दिल से होगा, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, आपको भी दर्द का एहसास होना चाहिए दूसरे व्यक्ति की। पता लग गया जरूरत कहां है, अब उसके दिमाग में बत्ती जला दो, उसके दिमाग में भी लाइट जला दो। अंकल जी, भाई साहब, आंटी जी, भाभी जी, आपने कभी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपकी बेटी की शादी कौन करेगा? अगर तुम बोलोगे दिमाग से, कभी काम नहीं मिलेगा जब तक आपको भी दर्द नहीं होगी। यार इसके बेटे की शादी कौन करेगा? फीलिंग्स ट्रांसफर होती है, फीलिंग्स ट्रांसफर होती है। फीलिंग्स अंदर तो है कि तू चेक तो दे मुझे, इसके बाद देखता हूं क्या होने वाला। फीलिंग्स ट्रांसफर होती है। जितनी बार हम जाते हैं किसी के पास, जो हम घर से सोच के जाते हैं, जो हमारा माइंड सोचता है, हमारी बॉडी उस एक्शन को कंप्लीट करती है। आई रिपीट, साइकोलॉजी कहती है जो आपका दिमाग सोचता है, आपकी बॉडी उस एक्शन को कंप्लीट करती है। अगर आप घर से सोच के गए कि बिजनेस नहीं मिलेगा, तो बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी वो एक्शन कंप्लीट ही नहीं करेगी, उसको बोलेगी नहीं। क्रिकेट वाला आया बैट लेके सामने से, बॉल सोच रहा है कि जैसे बॉल आएगा इस बार पक्का विकेट्स पे जाएगा बस, क्योंकि ये सामने शोएब अख्तर तो मारेगा ही मारेगा। ओके, ओए पता क्या बोलता उसके बाद, मैं जानता था। तू जानता था, तेरी बॉडी ने एक्शन कंप्लीट कर लिया। अगर वो जानता है कि आज तो आने दे बॉल, एक एक बॉल पे सिक्सर लगाऊंगा, फोर रन लगाऊंगा, देख तो आ सही। ओके, एक टक, एक टक, एक टक, एक टक, जानता था छे छे लगाऊंगा और आप सामने। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो। रोज सुबह शाम दोपहर खाना खाते उठते बैठते यही बोलना, दिल में बस जाना चाहिए, रिजल्ट्स तभी आएंगे, उसके बिना रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मैं पूरा इंडिया घूमता हूं, मुझे इस 14 नवंबर को, अभी 14 नवंबर जो निकली है, 14 नवंबर को ट्रेनर बने एग्जैक्टली 31 ईयर्स हो गए हैं। बंद कर दिया करो यार, जल्दी करके ना, बस उसके बाद साथ बंद। अजय आदमी की उम्र नहीं पूछते हैं। अजय मैं ट्रेनर बना था पहले, LIC ज्वाइन की थी बाद में। 14 नवंबर 1980 को फर्स्ट मैंने सेमिनार किया था स्कूल बच्चों के लिए, तो मैं थर्ड स्टेप पे पहुंच गया था। थर्ड स्टेप उसको सोल्यूशन बता दिया, जो उसको चाहिए भूल जाइए आपका इंसेंटिव कितना है, आपकी कमीशन कितनी है, आपका क्रेडिट कितना है, बिल्कुल भूल जाइए। तो हमने उनकी जरूरत को समझ लिया, अब उनकी जरूरत को उनको समझा लिया, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देना है उन्हें, सोल्यूशन कि ये है सोल्यूशन, ये है प्लान, ये है कॉम्बिनेशन, ये है प्रोडक्ट, इतने सारा पैसे भरोगे इतना आपको फायदा होगा। प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, केवल उसके फायदे बिकते हैं। शर्ट नहीं बिकती है, शर्ट पहनने के फायदे बिकते हैं। पेन नहीं बिकता है, लिखने का फायदा बिकता है। अगर शर्ट बिकती होती तो आप वो शर्ट खरीद लेते जो शर्ट फटी हुई है, लेकिन आप वो नहीं खरीदते हो, आप खरीदते हो सुंदर शर्ट, क्योंकि आप खरीदना चाहते थे अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने का तरीका। शर्ट नहीं बिकती है, बिकता है तो पर्सनैलिटी को बढ़ाने का तरीका बिकता है। पेन नहीं बिकता है, बिकता है तो लिखने का तरीका बिकता है।
घड़ी नहीं बिकती है, बिकता है तो टाइम देखने का जरिया, प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, बिकते हैं तो प्रोडक्ट से होने वाले फायदे, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट हर कस्टमर रेडियो एफएम पे है। रेडियो एफएम, एफएम क्या है? फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें? जब उसको आप प्लान समझाते हो, प्रोडक्ट समझाते हो, वो यही ढूंढ रहा है, रेडियो एफएम फॉर मी, मेरे लिए क्या है ये बता, तुझे क्या मिलेगा वो ना मुझे बता दी, मैं इसके बाद एमडीआरटी हो जाऊंगा, अगर आप मेरे से पॉलिसी कर लो मेरा एमडीआरटी श्योर। कितनी देर ऐसे कराओगे आप, कितनी देर ऐसे काम होगा? तो जरूरत, उसको समझाने के बाद उसको जरूरत का सोल्यूशन बता दिया। एंड लास्ट जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, वो कैसे है? हर एजेंट, 90% एजेंट्स चौथे स्टेप पे फेल हो जाते हैं। प्रोस्पेक्ट रेडी, समझ लग गई, हां भी कर दी, चेक नहीं मिलता, बोलिए ये फोर्थ स्टेप पे आगे 90% सेल्समैन फेल हो जाते हैं। बता दो क्यों नहीं मिलता, रीजन बताऊं? क्योंकि आप मांगते नहीं। चेक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते नहीं हो। विश्वनाथ जी आप जरा खड़े हो सकते हैं यहां पर, ये हमारे दोस्त हैं विश्वनाथ जी, आप किस ब्रांच से, आपकी एजेंसी 11 आर्मी की एजेंसी है इनका, आपने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था, क्या था तब? 13 जुलाई बेटे का बर्थडे, इन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया, डिनर हो गया, मैं और पिंकी गए, इनकी फैमिली थी, हम अपने घर चले गए। उसके बाद मेरे घर में आए, मेरे जो किताब है असफलता का त्याग, आपने बाहर देखी होगी, इन्होंने मेरे से 100 किताब ली, अपने पॉलिसी होल्डर्स में बांट ली। उसके बाद हमें तपस जी मिले, तपस जी आप भी जरा इधर आएंगे, तपस जी को भी मेरे ख्याल काफी लोग जानते हैं, ये LIC की शान है तपस जी भी, और लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिला के काम कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट में गया था LICTapas.com, 3 दिन पहले इनकी वेबसाइट पे गया हूं और देखा कि इन्होंने तो पीआर मैनेजर भी रखे हुए हैं, बैक ऑफिस सपोर्ट मैनेजर भी रखे हुए हैं, पूरा सिस्टमेटिक काम है। फिर ये मेरे पास आए, 100 किताब इन्होंने खरीदी, 100 किताब बांट दी, और 2-3 लोग और भी आपके कारण हमारे पास आए थे जिन्होंने किताबें फ्री बांटी। अब मैं बात क्या करना चाहता हूं, आप दोनों बैठिए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सुनाना क्या चाहता हूं, जो स्टेप आप मिस कर जाते हो वो स्टेप विश्वनाथ जी ने मिस नहीं किया। विश्वनाथ जी मेरे घर में आए, कहते हैं मदान साहब जीवन आरोग्य लिए है आपने? मैंने कहा नहीं। इन्होंने समझाया, अब मैं देख रहा था कि इसके बाद ये करते क्या है, मैं देखना चाहता था कि समझा के वापस जाते हैं ये चेक भी मांगते हैं। सारा समझाने के बाद मैं सल्यूट करता हूं विश्वनाथ जी, इन्होंने प्रपोजल फॉर्म निकाला, कहते हैं मदान साहब इसे भरो और चेक दो। मैंने कहा 10 दिन रुक सकते हो, बॉम्बे से वापस आओ, वहां सेमिनार है। कहते मेडिकल के बिना नहीं होगा, अब गारंटी है कि 10 दिन के बाद सेहत ठीक रहेगी आपकी? मेरे से 25,000 समथिंग का चेक ले गए, 15,000 मेरे लिए और 10,000 का पिंकी के नाम का, 25,000 का चेक ले गए केवल मांगने से कि मुझे फॉर्म भर के दो। सो फोर्थ स्टेप, आस्क फॉर द प्रपोजल फॉर्म। कितने लोग हैं यहां पर हाथ खड़े करके ईमानदारी से जो इस समय प्रपोजल फॉर्म लेके आए हैं अपने हाथ में? अभी भी मैं कह सकता हूं 20% नहीं है, उनके पास नहीं है, 80% के पास है। आई सल्यूट यू, आई रियली सल्यूट यू ऑल, अपने लिए एक बार ताली बजाओ जिनके पास प्रपोजल फॉर्म है। बाकी 20% आज के बाद सारे हथियार, सारे अम्यूनिशन, गोला बारूद हर समय आपके साथ रहना चाहिए। आप सोल्जियर्स हो, बिना हथियारों के सोल्जियर सोल्जियर नहीं होता।
यू आर सोल्जियर विदाउट गन्स, सामने आ गया दुश्मन, अभी रुको मैं पहले बंदूक तो ले आऊं घर से। सारे हथियार हर समय आपके साथ होने चाहिए, कंप्लीट। इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, आज हमारे पास बहुत अधिक टाइम नहीं है, इसी सब्जेक्ट के ऊपर रहते हैं। अगली बार का सब्जेक्ट बोल देता हूं मैं, अगली बार है, टाइटल है फंडे बदलो आगे बढ़ो, क्योंकि बीते हुए कल में जिन फंडों से काम करते थे उन्हीं फंडों से आने वाले कल में सफलता नहीं मिलने वाली। टेक्नोलॉजी चेंज है, लोगों की थिंकिंग चेंज है, लोगों की जरूरतें चेंज है, इसीलिए आपको भी फंडे बदलने पड़ेंगे। अगले महीने का हमारा ये रहेगा। आज का था अलादीन का चिराग। अलादीन कौन है? आप। चिराग कौन है? ईश्वर गुरु। आपने ईश्वर गुरु को रगड़ा, बीच में से जिन निकला, कौन? टी एस मदान। जहां पर हुक्म, आपने कहा स्टेज पर खड़े होके हमें बताओ हम अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, हुक्म मान लिया। तो अगली बार होगा फंडे बदलो आगे बढ़ो। फंडों में से एक चीज जो मैंने तपस आपकी वेबसाइट पे देखा है और रियली आई एम इंप्रेस्ड, यहां पर कितने लोग हैं जिनके पास अपनी वेबसाइट है, कितने एजेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कितने बैठे हैं यहां पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गवर्नमेंट ऑफ, 8 गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यहां भी 8 पीओस। पहले तो मैं सब लोगों से एक इच्छा रखता हूं, एक डिजायर रखता हूं कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर यहां पर आए हैं उनके लिए और जो यहां पर नहीं आए हैं, जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक बार दिल से खड़े होकर थैंक्स करने के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि हम उनके कारण है यहां पर। में कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ही लेके आया था और आपको भी एलआईसी में कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ही लेके आया है, और जो लेके आया है उसका योगदान है, आज हम जो भी हैं उन्हीं के कारण है। एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, अगर आपको लगे कहीं पर एजेंसी बन सकती है उसे अपना कंपटीटर नहीं मानिए, वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को रेफर कर दीजिए या अपने चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को रेफर कर दीजिए कि ये व्यक्ति एजेंसी लेना चाहता है, आप इनके साथ बात कर लो। अगर आप रेफर नहीं करते तो ध्यान रखना जिसने एजेंसी लेनी है उसने एजेंसी तो ले ही जानी है। डेवलपमेंट ऑफिसर को अगर 10 एजेंट चाहिए 10 बना लेगा शाम तक, लेकिन जो आपके मार्क्स बनने थे, जो आपका अच्छा इंप्रेशन बनना था, वो नहीं बन पाएगा। तो बेटर है अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो एजेंसी लेना चाहता है तो अपने चीफ एडवाइजर को या अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को रेफर कर दीजिए, उनका काम बढ़ेगा, वो आपके काम आएंगे। एक दूसरे से ही दुनिया चलती है, एक दूसरे के बिना ये दुनिया नहीं चलती है। तो आज जो मैं नेक्स्ट आपके साथ इसको समअप करना है, लास्ट एक पैराग्राफ रह गया, उसके बाद मैं आपसे माफी चाहूंगा अलविदा बोलने की, क्योंकि अल्टीमेटली एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन दोनों पार्ट हैं जिंदगी के। गुरबानी में भी आता है एसोसिएशन, जिसमें पूरा वर्ड क्या है, संयोग वियोग दो कार चलावे, संयोग वियोग, मिलना बिछड़ना दोनों से काम चलता है। तो अगर आज हम मिले हैं तो हमें बिछड़ना ही पड़ेगा ताकि अगले महीने हम दोबारा मिल पाए। लास्ट समरी जो मैं आपके सामने देना चाहता हूं सारी चीज की, उसके बाद मैं यहां से आप अलविदा लूंगा। आज मेरा सच्ची में मन नहीं कर रहा यहां से जाने के लिए, बट मेरी मजबूरी है, आप लोगों ने भी आगे टाइम दिया होगा और मैं आपका टाइम समझ सकता हूं। समरी तैयार करते हैं कि हम जब किसी के पास जाते हैं, जब हम इंश्योरेंस बेचने के लिए जाते हैं तो 10 में से 2 बिकती हैं, वो इसलिए बिकती हैं क्योंकि हम डिजाइन नहीं करते हैं बेचने के लिए,
डिजाइन कवर करके बेचे तो 10 में से 10 बिक सकती हैं, पहली बार में नहीं दूसरी बार बिक जाएंगी तीसरी बार बिक जाएंगी। हाँ गारंटेड है अगर हमने उसकी जरूरत को पहचाना। चार स्टेप्स मैंने दिए हैं। पहला स्टेप है जरूरत को समझना है। समझना कैसे है? पांच को कहां है, कब है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है। कहां है, क्यों है, कब है, किसके लिए है, कैसे है, ये पांच को समझने हैं। उसकी जरूरत को समझने के बाद जब हमें समझ लग गई तो जरूरत उसे समझाने की कोशिश करनी है कि आपकी जरूरत ये है। जब उसे जरूरत समझ लग गई, अपनी दिमाग में जो बत्ती जली थी वो उसके दिमाग में जला दी। जब उसके दिमाग में जला दी उसके बाद उसको सोल्यूशन देना है कि कौन सा प्लान, कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए ठीक सही रहेगा, जब उसको बता देंगे। और चौथा स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रपोजल फॉर्म उसके आगे रखिए, उसको कहिए कि प्रपोजल फॉर्म भरिए और मुझे चेक दीजिए। अगर आप जानते हो कि इस प्रोडक्ट का फायदा उसको होने वाला है, अगर आप जानते हो कि उसके परिवार में उसके मरने के बाद लोग परेशानी में नहीं आएंगे, अगर आप जानते हो इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपकी कमीशन बढ़ेगी, अगर आप जानते हो इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपका करियर ग्रो करेगा, अगर आप जानते हो कि आप प्रोफेशनल सेल्समैन बनना चाहते हो, माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, फॉर्म उसके आगे कर देना, उसे साइन करवा लेना, चेक मांग लेना, 100% हां गारंटेड। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी जो इच्छा है भगवान के आगे हमने प्रेयर करनी है, सब लोग खड़े हो जाइए। पहले तो थोड़ा सा हम संजीदगी से प्रेयर करेंगे, उसके बाद अपने स्टाइल से हुल्ला गुल्ला करेंगे ताकि उस अल्लाह को, उस खुदा को, उस भगवान को, उस वाहेगुरु को, उस गॉड को अपने नजदीक ला सके। पहले हम, क्योंकि मैं भगवान से सिर्फ छह चीजें मांगता हूँ, आप भी अपने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अपने अपने इष्ट से वो छह चीजें मांगिए। क्या पहली चीज है? हे भगवान हमें अच्छी सेहत देना। दूसरी है, हे भगवान हमारे परिवार में बहुत अच्छी प्रसन्नता का लेवल देना, खुशी देना। तीसरी भगवान से हमारी प्रेयर है कि हमारा करियर, हमारी इनकम का लेवल बहुत अधिक ग्रो करे। चौथा जो हमारा प्रेयर है कि समाज में हमारी इज्जत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े। पांचवी प्रेयर है कि हमारा दिमाग और तेज हो, हमारे दिमाग को शक्ति मिले, हम लोगों से ज्यादा अधिकतर अच्छे तरीके से व्यवहार कर पाए। और छठी प्रेयर उस भगवान के आगे है कि हे भगवान हमें अपने साथ जोड़े रखना, हमारी आत्मा को पवित्र करना, हमारे से अच्छे अच्छे काम करवाना ताकि हम दुनिया से जाएं, हमारा अच्छा नाम हो और हमारा परिवार भी हमारे ऊपर नाज कर सके। और आने वाले कुछ सेकंड्स, जितनी देर मैं आपको नहीं बोलूंगा उतनी देर पूरी हूटिंग, पूरी विसलिंग, पूरा शोर, पूरी ताली, पूरा ढोल, यस, हे, 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 हे।